साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। क्योंकि ये ऐसे विस्तार थे कि जहाँ 5% आपको हिंदू देखने को मिलता, कहीं 10% हिंदू देखने को मिलता, और 30-40 किलोमीटर के पट्टे पे आप चले जाओ कहीं भी आपको हिंदू मंदिर देखने को नहीं मिलता, और गांव-गांव में आपको चर्च ही चर्च देखने को मिलता। तो उसके बीच ये ऋषि प्रसाद के सेवाधारी है, धर्मांतरण विस्तार के अंदर जाकर हमने सुना 2600 ऋषि प्रसाद के सभ्य बना दिए। हिंदू धर्म रे मोर जन्म तो तेणु मो बड़ गर्वित, सृष्टि आरंभ रु ए धर्म अचित, सृष्टि आरंभ रु ए धर्म अचित, समस्तंकर हित भावना करे त, समस्तंकर हित भावना करे त, धन्य एही धर्म धन्य ए संस्कृति, धर्म एही धर्म धर्म ए संस्कृति, आमे रखिबा ए हरिते का जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे जाग धर्म रक्षक, हिंदू धर्म उपरे आदि विपद, जागरे जाग धर्म रक्षक, जागरे। ये भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा सूरत से आए, महाराष्ट्र से आए, और गुजरात से आए, और ओडिशा से, सब मिलकर 250-300 आदमी एक साथ में भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा चल रही। भक्ति जागृति कीर्तन यात्रा का अर्थ होता है लोग का अंदर का भक्ति को जगाने के लिए। जैसे महम होता है, महम को पिघला दिया जाता है, जो भी कलर ढाला दिया जाता है वही कलर बन जाता है। ऐसे ही जो ये 250-300 आदमी एक साथ में घूम रहे थे, भक्ति कीर्तन यात्रा लेकर लोग की हृदय में भक्ति का माहौल फैला रहे थे, हृदय में भक्ति जागृति करते थे। हम लोग ये ऋषि प्रसाद वाले बापूजी की दिव्य ज्ञान, गीता भागवत रामायण सब का सार तत्व को बापूजी ने जो ऋषि प्रसाद निकले, ऐसा ज्ञान को, जैसे ज्ञान को सबकी पास पहुंचा कि उसके हृदय में ज्ञान को प्रकट कर रहे थे, घर घर घूम रहे थे, लोग को समझा रहे थे और लोग को बताने मना कर रहे थे, तो इनको बापूजी ने बोले भारतीय संस्कृति को रक्षा करने के लिए ये महीना का ऋषि प्रसाद, नास्तिक से नास्तिक जो भी पढ़ेगा और सनातन संस्कृति का महत्व को समझ में आएगा। इसीलिए लोग को घर घर जाके लोग को समझा रहे थे और ऋषि प्रसाद मेंबर बना रहे थे, 2600 मेंबर बनाया और लगन लगा दिए घर घर में जाके। अगली बार 25 से था, ये लोग ने संकल्प किए हम 2600 मेंबर बनाएंगे और 2600 का टारगेट लेके पूरा कर दिए। और पूरा करने के बाद में बापूजी ने बोले थे, बापूजी के हस्त से स्वर्ष करमाला रुद्राक्षमाला सबको सेवाधारी को प्राप्ति होगा। हरिओम। ऋषि प्रसाद थे 12 आदमी थे, 6 टीम थे, एक एक टीम में दो दो आदमी, और कोई भी मिल जाते थे 3 आदमी होते थे। सबको बापूजी के स्वर्ष रुद्राक्ष करमाला, ये करमाला का महत्व यही है रुद्राक्ष का, जिसको हार्ट चोक होता है ये माला को जब पानी में डुबा कर पिएगे और वो उसको कभी हार्ट चोक नहीं होगा। बापूजी ने मुख में श्रीवाणी ये बापूजी की मुख का, तो वास्तव में मतलब ऐसा विस्तार था, पूरा धर्मांतरण विस्तार था। गांव-गांव में आपको चर्च ही चर्च देखने को मिलते, उसके बीच ये ऋषि प्रसाद के सेवाधारी घूमे। ऋषि प्रसाद पत्रिका के मतलब 2600 सदस्य बनाए हैं, तो सेवाधारियों से भी बात करेंगे। कैसा विस्तार था पहले तो, एकदम चर्च ही चर्च था? बहुत चर्च के चर्च था, और ईसाइयों के भी हम सब सभ्य बनाए। अच्छा, सब लोग, हाँ, ईसाइयों को भी हम हमारा धर्मांतरण में लेके आए हिंदू में, और सब घर घर में जाके हम सबको समझाते थे कि ऋषि प्रसाद का महिमा क्या है, और सब कुछ ऐसा उनको बताए कि हम सभ्य बनाते थे। इसने खतरनाक विस्तारों में घूम कर भी 2600 सभ्य 9 दिन में पूरे कर दिए। हाँ, कर दिया, सब कुछ समझा के बताया, अब सब मतलब बोला। तो सुना बहन ने बताया कि वहाँ चर्च ही चर्च आपको दिखाई देंगे, पूरे ईसाइयों का गढ़ था, मतलब 5% वहाँ हिंदू, कहीं 10% हिंदू, उसके बीच ये बापू के भक्त घर घर घूमे
और उन ईसाइयों को भी इन लोगों ने सभ्य बनाया और काफ़ी लोगों को इन लोगों ने घर वापसी भी करवाई। शंकर भाई बहुत ही डेंजर विस्तार था, मतलब 5% हिंदू कहीं 10% हिंदू, और यहाँ देखो वहाँ चर्च ही चर्च, उसके बीच मतलब 9 दिन के अंदर 2600 सभ्य बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब। देखो ये जो हमारी हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए विदेशी का ताकत जो पीछे पड़े है, किंतु लोग का भाव हृदय में ठीक है, समझाने में समझ जाते हैं। हमारा संस्कृति को नीचा देखकर, उनका संस्कृति को ऊंचा देखकर हमारा धर्म को परिवर्तन, इसीलिए हम भी उनके बीच में देखिए हमारा धर्म को ऊंचा रखने के लिए हम भी अपना देश के महिमा, देखो ऋषि प्रसाद में क्या खाना है, क्या कैसे खाने से शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारी संस्कृति का जो देवी देवता को पूजा आराधना करने से कैसे हृदय में भक्ति भाव बढ़ता है वो भी लिखा है। दूसरा और घर में वास्तु दोष और घर में अशांति होता उसी चीज़ में भी ऋषि प्रसाद ऐसा सब लोग को समझाने में और लोग का श्रद्धा से मेंबर भी बनाते और लोग भी पढ़ते और लोग को भी अच्छा लगता है। 9 दिन में इतने डेंजर विस्तार के अंदर 2600 सभ्य बनाना मतलब बहुत कठिन काम था। कठिन काम था, उसके बीच बहनों भाई और लोगों ने दिन रात लगे है, बहन लोग बहुत मेहनत की है, सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लगातार दौड़ दौड़ की मेंबर भी बनाया और लोग को समझाए। तो वास्तव में बहुत ही खतरनाक विस्तार, मतलब चारों तरफ चर्च, उसके बीच ये बहने और कुछ भाई लोगों की टीमों ने घूम कर वहाँ 2600 सभ्य बनाए, क्योंकि हमने भी वहाँ देखा था वो ईसाई लोग इतने कट्टर होते हैं कि प्रसाद देते प्रसाद तक नहीं लेते, जब कीर्तन यात्रा निकलती है तो काफ़ी लोग कान में उंगली डाल देते, भगवान नाम भी वो लोग सुनना नहीं चाहते। तो उन लोगों को भी, ईसाइयों को भी इन लोगों ने ऋषि प्रसाद के सभ्य बनाए, मतलब बहुत ही कठिन काम था उसके भी। बहुत कठिन था, लेकिन हमने इतना बहनों भाई सब मिलके उनको समझा कि हमारा हिंदू में आप आओ ऐसा धर्मांतरण में मत जाओ, ऐसा सब करते करते इतना बहुत कठिन से बनाए, सभी सब मेंबर बनाए। इधर ईसाई भी थे, बहुत ईसाई थे, बहुत कठिन का माहौल था, तो ईसाई भी मिले थे हमको, तो उनको भी हम ऋषि प्रसाद मेंबर बनाए थे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।